इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। मौसम चेक करो कितना स्पेक्सी है, बिल्कुल आज भी वही दिन है, कल की तरह सेम उसी तरह वही टाइम है और वही मौसम है, लेकिन अल्लाह करे भी बारिश ना आए। और चेक कर सकते हो आप क्या मौसम है, फुल काले बादल आ चुके हैं और हम भी तैयार होके निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। अब जल्दी जल्दी हमें पहुंचना होगा स्पीडो के स्टॉप तक, क्योंकि उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं है चाहे बारिश आए या ना आए, क्योंकि हमने बस में बैठे होना है। लेकिन अभी मैं पैदल सफ़र कर रहा हूँ, सो इसलिए जितना हो सके बारिश से बचना है। हाय अल्लाह जी, चेक करो यार, रिक्शे के अंदर तक बारिश आ रही है, चेक करो। और बहुत तेज़ बारिश है, अगर टाइम पर रिक्शा ना मिलता मुझे तो मैंने फुल भीग जाना था। अभी भी आप चेक कर सकते हो, ये ठोकर पहुंच गए हम, और सामने भाई मुझे मेट्रो स्टेशन पे उतारेंगे, वहां से फिर हम स्पीडो पकड़ लेंगे तो अच्छा रह जाएगा, वरना दूसरा रिक्शा मिलता तो उसके ऊपर भी गीले हो जाते। तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल टाइम के ऊपर हमें रिक्शा मिल चुका है और अब हम स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर बैठते हैं स्पीडो में। और फिर खैर है, फिर जितनी मर्ज़ी बारिश होती रहे उसकी खैर है, क्योंकि हम सेफ एंड साउंड होंगे स्पीडो के अंदर। चलें जी, कॉलेज का सफ़र होता है अभी स्टार्ट। सबसे पहले करने हैं रोड क्रॉस दूसरी तरफ, फिर हम जाएंगे। अभी तक पानी ऊपर से गिर रहा है यार, मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा ही बारिश हो चुकी है। ओए यार, चेक कर सकते हो माशाल्लाह, ये कितने प्यारे लग रहे हैं इस तरह के फूल। तो अगर यही फूल FC की जो सड़क है बाहर वाली मेन सड़क, उस दीवार के इस तरह साथ साथ लगा दिए जाएं तो वो सड़क भी बड़ी प्यारी लगेगी, क्योंकि अभी वहाँ बहुत ज़्यादा गंद पड़ा है, तो बाहर से जो विजिटर आता है देखने वाला वो तो यही समझता है कि शायद ये कॉलेज किस तरह का है, लेकिन अंदर से माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अगर इस तरह के थोड़े बहुत प्लांट्स बाहर भी लगा दिए जाएँ तो बहुत अच्छा हो सकता है कॉलेज। तो अगर मेरी कोई इस तरह का बड़ा बंदा वीडियो देख रहा है, अगर कोई टीचर देख रहा है, तो प्लीज़ आप स्टाफ को रिक्वेस्ट करें और FC कॉलेज को कि बाहर भी थोड़ा बहुत कर देना चाहिए इस तरह का काम, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गले लगो यार, गले लगो गले लगो ऐसे। अरे अदनान भाई, कॉल शॉल कर रहे हैं, किसको कर रहे हो कॉल? अंकल को ही करना, किसी और को ना करना, हाँ इन कामों से दूर ही रहो। ये हमारे CR साहब, तारक है, तारक
2 hours later. अभी हम आए हैं एक एक्वेरियम शॉप पे और मुझे मछलियों का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये पहली मछली जाएगी है टाइगर शार्क. इसको टाइगर शार्क कहते हैं. ये बिल्कुल छोटा साइज़ है, जितना आपका हाथ है इतना इसका साइज़ होता है और बहुत ही खूबसूरत है. अगली में ये है गोल्ड फिश और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है. बैलून गोल्ड फिश है ये. इसमें आप चेक कर सकते हैं, 2-tone भी हैं और ब्लैक कलर में भी हैं और ऑरेंज कलर में भी हैं. ओए होए यार, ये क्या चीज़ है, कितनी छोटी मछलियाँ हैं. अभी तो आपको फिर भी कैमरे में थोड़ी बड़ी नजर. नेक्स्ट जी ये है गप्पीज और बैलून मॉलिस जो कि मेरी फेवरेट रही हैं हमेशा. और ये है कोई फिश, बहुत ही प्यारी मछली है. इनका साइज़ माशाल्लाह बहुत बड़ा भी रहता है और बहुत बड़ी बड़ी जो हैं कोई फिश वो हो जाती हैं. दूसरी मछलियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो छोटा साइज़ रहता है उनका, लेकिन ये बढ़ती रहती हैं टाइम के साथ साथ. ओए होए क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह. चेक कर सकते हो यार आप, इनका साइज़ चेक करो. कैमरे में मैं भी आपको छोटा नज़र आ रहा हो, लेकिन वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मछली है ये तो. और इनका मुंह चेक करो, मूंछों वाली मछली है यार, क्या बात है. मेरा दिल कर रहा है ये सारी उठा के घर ले जाऊँ, लेकिन पहले मैंने रखी हुई थी बैलून मॉलिस, पर कोई नहीं. अगली पे चलते हैं. ये अफ्रीकन चिकलेट्स और इसमें मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है जो कि अभी यहाँ नहीं है. ये फिर बैलून मॉलिस आ चुकी हैं कुछ और गप्पीज़ हैं और ये स्टिंगरे है मेरे ख्याल से, इनको स्टिंगरे कहते हैं. और बहुत ही ये रेक्टेंगुलर फिश है, बहुत ही मज़े की फिश है. ओए होए होए होए, वहाँ तो एक टाइगर शार्क देखी थी, यहाँ चेक कर सकते हो आप, पूरा एक्वेरियम माशाल्लाह भरा हुआ है टाइगर शार्क से. और ये फिर गोल्ड फिश आ गई हैं और ये पता नहीं कौन सी फिश है, माशाल्लाह चेक कर सकते हो. ये पूरे मेरे हाथ जितने से हाथ खोल के रखे ना उतना साइज़ है माशाल्लाह इस मछली का, चेक कर सकते हो. और इसकी चेक करो नीचे कितने लंबे लंबे कांटे लगे हुए हैं. और कलर टोन चेक करें आप, वाइट ऑरेंज और ब्लैक. ओए क्या बात है यार, एक्वेरियम चेक करें कितना अच्छा तरीके से इसको सेटअप किया है. अंदर सी प्लांट्स भी लगाए गए हैं और इसमें मछलियां चेक करें आप, ये तो डर रही हैं मुझसे. ओए ये भी टाइगर शार्क से एक्वेरियम भरा हुआ है फुल टू फुल. और नीचे ये दो पता नहीं कौन सी हैं. और ये है वो मछली जो कि हमेशा से मेरी फेवरेट रही है, एक ही फाइटर फिश और दूसरा मौली. इनको मैं बहुत शौक़ से रखता हूँ अपने पास यार, इनका कोई ख़र्चा नहीं होता और बहुत ही अच्छे तरीके से किसी छोटे एक्वेरियम में भी एडजस्ट हो जाती हैं और खूबसूरत बहुत ज़्यादा हैं. अगली ये आपको जो नज़र आ रही है ये आपको एक्वेरियम क्लीनर इसको कहते हैं. और ये इस मछली का काम ये होता है कि आपके एक्वेरियम में जो मछलियाँ होती हैं उनका वेस्ट वगैरह और जो जम्स वगैरह होते हैं उनको ये मछली खाती है और एक्वेरियम को आपके साफ रखती है और मछलियों को भी जो है वो सेहतमंद रखती हैं, बीमार नहीं होती. The next day. कैसा है? ठीक ठाक, आप सुनाओ. आपसे भी ले लो सलाम, क्या हाल है? पूरी क्लास ही आ गई. ये चेक कर सकते हो कितना रश है इस रोड पे. और बहुत अच्छी बात है यार, उन्होंने यहाँ क्रॉसिंग के लिए स्पेस लगा दी हैं, इसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि रोड क्रॉस करना पड़ता है और इतनी इतनी देर यहाँ रुकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. सो ये उन्होंने स्टेज बना दी हैं यार, तो ये बहुत अच्छा काम किया है. यहाँ से ईजीली हम रोड क्रॉस करके इस साइड पर आएंगे और यहाँ से फिर अपनी सोसाइटी की तरफ निकलेंगे. हाय, तो यार हम घर पहुंचने वाले हैं, तो अभी हम रास्ते में ही हैं, बस थोड़ा सा और सफ़र रह गया. तो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा,
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के व्लॉग्स आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।